अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस सर्व्ड विद ग्रिल्ड चिकन, और मेरा कोई इरादा नहीं था रेसिपी रिकॉर्ड करने का, एंड अचानक से मैंने कहा चलो बना रहे हैं तो रेसिपी रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसलिए आप किचन का मेस को इग्नोर करिएगा, किचन का मेस बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा जी, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये चावल जो है, ये मैंने जब बिरयानी बनाई थी पुरानी रेसिपी में 3 डेज़ अगो, तो ये चावल उसके बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसके बहुत अच्छा आइडिया है कि एग फ्राइड राइस बन जाए। बहुत क्विक सा काम करती हूँ मैं। ये चिकन ब्रेस्ट पीसेस मैंने ले के रखे हुए होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इसकी मैं कोटिंग कर देती हूँ, और फिर जब भी उस्मान ने खाना होता है तो मैं हर खाने के साथ 1 या 2 पीसेज इनको एयर फ्राई कर देती हूँ। मैंने सब्जियों को भी कट करके फ्रीज़ किया हुआ होता है, जिसमें बंद गोभी और शिमला होती है। और फिर मैं अभी यहाँ पे मैंने रेसिपी स्टार्ट किया कि मैंने एक प्याज लिया, उसको मैं ब्राउन कर रही हूँ। और मैंने ये देखचा गंदा इसलिए क्योंकि इसमें मैंने पहले अंडे बना लिए थे ताकि ज़्यादा बर्तन ना लगे। और आप इसको इग्नोर करिएगा, आप बस रेसिपी पे फोकस करें और आप एंड पे देखिएगा कि कितने मज़े के चावल बनते हैं। अब आप इस प्याज में शामिल कर दें 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का, जो कि मैं यूज़ करती हूँ शान का। ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, तो आप भी अगर ले सकते हैं तो ख़ुद बना लें, वरना ये बाय कर लें। अच्छा, इसमें मैंने ऐड किया है अपने अंदाजे से चावलों के हिसाब से 1 हैंडफुल ऑफ बंद गोभी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अंदाजे से वही शिमला मिर्च, ये फ्रीज हुई हुई है मेरे पास, तो ये भी बहुत सहूलत हो जाती है अगर आप कट करके रख लें। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी मटर, मटर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये भी फ्रीज हुए हैं। ये मैं यूज़ करती हूँ ओपा के, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। ये मैं एक दफ़ा में जा के 2-3 पैकेट्स ख़रीद लेती हूँ और ये मेरे बहुत अच्छे चल जाते हैं। ये ओपा के हैं, आप लोगों ने अगर ट्राई करने हैं तो ज़रूर ट्राई करेंगे, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 घूंट पानी का, और पानी इसलिए ताकि जो मटर वगैरह ये गल जाएँ। और ये आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छे चावल इस तरह बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 5 मिनट का दम दिया था, और दम देने के बाद मैंने इसमें मसाले ऐड किए थे जो कि मैंने अपनी तरह से रिकॉर्ड किए, पर वो रिकॉर्ड नहीं हुए, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि मैंने इसमें डाला 1 चम्मच नमक, 1 टी स्पून टिक्का मसाला, 1 टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टी स्पून चिकन पाउडर, और फिर मैंने इसमें ऐड किया 4 टेबल स्पून के करीब चिली गार्लिक सॉस, और इससे ये बहुत अच्छा फ्लेवरफुल बनता है। अब मैं आपको चिकन दिखा देती हूँ जो मैंने एयर फ्रायर में रखा हुआ है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको एयर फ्रायर में बनाएं, बेक करें, या फिर चूल्हे पे बना लें फ्राइंग पैन में। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल और मैं इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मसाले को, और ये चावल बहुत फ्लेवरफुल बनते हैं। आपने यही मसाले ऐड करने हैं और आपने ये ट्राई करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अंडे, अंडों में भी मैंने बहुत अच्छा मसाला ऐड किया था, नमक मिर्च, और अब मैं इसमें थोड़ी सी और चिली सॉस ऐड करूँगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बस वही बात है कि मैंने आपसे कहा था खाना जब भी बनाएं बहुत दिल से बनाएं, देखने वाले का भी दिल खुश हो जाता है और आप जो बना रहे होते हैं वो भी बहुत अच्छा फील करता है। तो ये खाने की प्रेजेंटेशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने चावलों को ऐसे डिश आउट कर लिया, साथ में मैंने ग्रिल्ड चिकन का पीस रख लिया, उस पर मैंने ग्रीन चिली सॉस डाल दी, और ये जी हमारी प्लेट तैयार है। और नेक्स्ट टाइम से मैं रिव्यू भी ऐड किया करूँगी, जब भी उस्मान खाएंगे तो मैं उनसे रिव्यू लेके ऐड किया करूँगी, पर फिलहाल तो ये प्लेट इस तरह मैंने रेडी कर दी है। और आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।